अच्छा मुझे जो है ना एम्पावरमेंट टॉक्स फेसबुक लाइव पे डालना पड़ेगा फ्रॉम फ्यूचर बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी आ रही है स्पेशली मेंटल हेल्थ इज एन इशू राइट सो बहुत सारे लोगों को जिन जिनको ये मिल रहा है अलहमद गॉड इज काइंड वो चाह रहे हैं कि इसको लाइव किया जाए यूथ के लिए भी तो so मैंने उनको बोला है द ओवरऑल अदर कम्युनिटीज आर आल्सो पार्ट ऑफ इट राइट सो वी विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द रिलीजियस वर्ड्स हम लोग एक जनरली बात करेंगे बट वी कैन कोट वी नो राइट ताकि इट्स अवेलेबल फॉर जूम में करेंगे बट दैट में और भी लोग आएंगे तो यून यू बिलीव इट का क्या मतलब हुआ कि आप को पहले नजर आएगा वर्सेस ये बॉक्स है इसके अंदर सामान है समझो राइट सो वट एवर इज योर विश यू वॉन्ट मनी तो पहले आपको देखना शुरू करना पड़ेगा फिर डब्बे के अंदर पीछे के के अंदर अंदर पॉकेट मनी आएगा राइट यूजली वर्ष है मनी एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग के ओके अब मैं कुछ कर सकता हूँ अब नाउ आई हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम आई कैन बाय गुड कार आई कैन अपग्रेड कार ओके शनाज डू यू हैव थोड़ा सा क्लियर करो इट्स इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देनिशनली है

वो ड्रीम जो मैं देखता था उस पर उनको भरोसा नहीं होता था them, वो मुझे करते थे कि नहीं तुम तो कर सकते किसने like, like कौन सा बड़ा तीर मारा है जिंदगी में जो तुम कुछ कर लोगे right? so राइट सो जिसको कहते हैं कि हकीकत दिखा देते हैं उसने बोला आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल मैन इसमें कोई शक नहीं है कि हकीकत से आदमी जो है वो Uh, कहते ना, जो बहुत बड़ा -बड़ा सोचते हैं, कुछ नहीं होते हैं. So दोनों के बीच में होता है वो बहुत बड़ा भी नहीं सोचता कहते हैं नहीं नहीं, नहीं दिस इज ऑल रबिश दिस इज ऑल बुकिश इतना कोई जिंदगी में बड़ा नहीं हो सकता और एक पेसिमिस्टिक होता है वो भी डरता है बहुत बड़ा सोचने से उसको लगता है दुनिया में रिसेशन चल रहा है दुनिया में सब जो है मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा कोविड टू आ जाएगा थ्री आ जाएगा ही ऑन फाइंडिंग रीजन रीजन फॉर जिसके कि मैं खुद ही का दुश्मन हुआ हुआ मुझे जमाना क्या मारेगा राइट सो यू हैव टू फिगर आउट आपकी हैलिटी है क्या बिकॉज इन एम्पावरमेंट टॉक्स द मेजर थिंग दैट वी वी ट्राई टू करेक्ट आर सेल्फ हमारा खुद का फिक्स हो गया मसला हमारे लिए दुनिया का लेंस क्लीन हो जाएगा हमें दुनिया अच्छी लगना शुरू हो जाएगी हमारे अंदर ग्रज हो गया नेगेटिविटी हो गई हम हैप्पीनेस नहीं होंगे डिप्रेशन पकड़ लेगा राइट right? सो so, दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है ओके okay. और कोई कुछ बताना चाहेगा इस बारे में सी सी इट 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 एंड एंड यू विल बिलीव बिलीव और राइट ये बहुत बड़ी थ्योरीज है दुनिया में राइट right? इसके ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम है द सीक्रेट राइट ऑथर ये कहता है या यू सी ऑल द बिग पीपल्स अराउंड यू जैसे आइंस्टाइन ने 900 प्लस पेटेंट्स किए आइंस्टाइन वाज अ डे ड्रीमर जागते हुए खुली आंखों से ख्वाब दिखता था राइट पब्लिक ही वुड बी अ फूल और ही वुड बी इन जोन विजन ऐसी ऐसी चीजें सोचता रहता है जो प्रैक्टिकल नहीं है तो दुनिया उसको पागल ही बोलेगी राइट अनटिल सर पे रख दे फिर दुनिया बोलेगी ओ वाह वाज एन एक्सेप्शनल मैन राइट तब तक उसकी जिंदगी सुनने में गुजर गई हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी यस और नो राइट तो इस तरह जो भी आदमी बड़ा सोचता है ना या तो उसको चुप रहना पड़ता है बिकॉज आस पास के लोग नहीं समझ सकते राइट सो यू हैव टू सी इट इज नंबर की पावर ऑफ थिंकिंग बिग कितने लोग हैं रेज यू यर जो बड़ा सोच सकते हैं रेज योर हैंड्स कि आज आपको कुछ बोले प्लान करो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है बोले हाँ बताओ क्या करना है सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है राइट गुड थ्री ऑफ पीपल हियर फिफ्टी में से

कार है राइट एवरी थिंग उसको अपन एक मिनट के लिए साइड पे कर लेते हैं उसमें अपना कंट्रोल नहीं है जिस चीज पे अपना कंट्रोल है वो है यस आई कैन डू इट आई कैन चेंज माई लाइफ मैं आज अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर सकता हूँ इग्निशन स्टार्ट कर सकता राइट पावर ऑफ थिंकिंग बिग दूसरा आदमी बोलता है नहीं कुछ हो ही नहीं सकता मैं पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ हूँ इधर लाइट भी नहीं है इधर एनर्जी भी नहीं है मैंने पढ़ा भी नहीं है मेरे पास पैसे भी नहीं है मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है दुनिया में कोई मुझे चांस भी नहीं देगा राइट? Right? तो वो उठता ही नहीं है उसकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता वो स्विच ही नहीं लगाता। ये जो पहला वाला है ना, ये थिंकिंग बिग के लेवल पे ही नहीं आया तो आपको सोचना है डू यू हैव लिबर्टी और पावर टू थिंक बिग इफ यस देन बी थैंकफुल टू लॉर्ड आपका वो मसला नहीं है राइट right? लेकिन अगर आप उस मसले में और हम लोग जो है ना शिफ्ट होते रहते हैं हमारा माइंड सेट शिफ्ट होता है कभी कभार हम इतने डाउन हो जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक हो जाता है दैट वी समटाइम्स फील यार हम कुछ नहीं कर सकते रिमेंबर दैट स्टोरी जब हमने बात की थी अब लेडी हु वॉज डिप्रेस्ड और टोनी रॉबिस ने उसको डिप्रेशन की मेडिसिन से निकाला था बट वॉज दैट वन थिंग विच ही डेथ टू दैट लेडी जो सेवनटीन ईयर से डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी उसने उसको उसकी खूबियाँ बताई थी राइट right? उसने बोला काउंट योर ब्लेसिंग्स

You know, वो खड़े हो जाएंगे बुलेट्स लेके राइट ओ ये तो हो ही नहीं सकता ए बी सी डी ई एफ ये पीछे पड़ जाएंगे टैक्स डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाएगा ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा ये बढ़ जाएगा राइट right? वो पाँच सौ अस्सी रीजनस निकाल लेंगे कि ये चीज क्यों नहीं हो सकती राइट दे आर द पीपल विद वीक मेंटल स्ट्रेंथ जो ना खुद कुछ करेंगे ना आपको कुछ करने देंगे सो इज एडवाइज इनफ टू शेयर योर आइडियाज विदीज काइंडल येस और नो राइट पीपल वी शुड स्टे अवे फ्रॉम स्टे अवे का मतलब ऐसे करोगे तो दुनिया से अकेले हो जाओगे बट स्टे अवे इन द सेंस ऑफ यू डोंट हैर योर आइडियाज टू दैम कि आप क्या करने वाले हो ठीक है द अदर थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज के आपको ये देखना है कि मैं आइडियाज किसको बताऊं क्या कोई मेरे रेडियस में ऐसा करेक्टर है जो कि मुझे एम्पावर करे राइट right? कितने लोग ब्लेस्ड हैं जो कहते हैं नहीं मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं सिबलिंग्स हैं मे बी आई एम ब्लेस्ड विद दो पेरेंट्स या रिलेटिव के मैं कुछ भी बोलूंगा ना बोलेंगे नहीं हम साथ खड़े गोवेट आगे बढ़ो वेरी ऑनेस्टली राइट इफ यू आर वन ऑफ देम तो यू आर लकी वन परसेंट ऐसा नॉर्मली नहीं होता राइट right? ये बुक्स एंड थ्योरीज में होता है होता है तो बहुत अच्छा है ठीक है नो बडी नीड्स टू राइट एनी थिंग अबाउट अबाउट ये क्लियर है हमको अभी क्लियर सो फार हमने क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि सबसे बड़ा जो अचीवमेंट करने में स्ट्रेंथ चाहिए वो है पावर ऑफ थिंकिंग बिग अगर आपके पास वो है ब्लेस्ड यू आर वन ऑफ देम लेकिन अगर आप वो ट्वेंटी लकी पर्सन में से नहीं हो जिसको बड़ा सोचने पर भी, भी मसला है तो अब क्या करना चाहिए लेट्स टॉक अबाउट इट अभी हम यही कर रहे हैं फेसबुक लाइव सो मकसद क्या है कि यू नो इंसान का मतलब क्या है वी टेक द डिक्शनरी मीनिंग दिस मीन्स भूलने वाला ऊपर वाले ने भूलने का पावर दिया है दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस नहीं भूल सके ना तो रोज इंसान सो भी ना सके बहुत सारे लोग जिनको सोने का मसला है इसलिए बैपनियाज है उनकी लाइफ में जब साइकोलॉजिकली वो थेरेपी करते हैं तो पता चलता है कोई ना कोई इमोशन फंसा हुआ है जिस वजह से नींद नहीं आ रही राइट जिस वजह से बॉडी की फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री खराब हो रही है राइट बट इमोशनल केमिस्ट्री खराब है आज इतने एक्शन बिहेवियर के इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं यूएस वाइड कैनेडा वाइड राइट

ब्लेसिंग इट्स कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्ग एक कहावत है राइट ब्लैसिंग में उसने चादर ओढ़ी हुई थी कि मैं परेशानी हूँ बट पर वो एक्चुअली ब्लेसिंग थी बिकॉज उससे बाहर निकले तो सीख गए तो वो ये कह रहा है कि दूसरे तरह के जो लोग होते हैं ना पावर ऑफ थिंकिंग बिग या तो वो ब्लेस्ड होते हैं कि वो खुद सोचना शुरू कर देते हैं या तो उनको कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए होता है मिंटोड चाहिए होता है सहारा चाहिए होता है कि वो सोच पाए तो लाइक जस्ट यू सैड ये एक बहुत बड़ी सेवा है या दिस इज अ वेरी बिग टाइम एंड नॉलेज क्या बोलो ना अच्छा मैं कैसी का क्या कर सकता हूं मैं तो खुद अपनी लाइफ में बस बहुत सारे लोग ये कहते हैं कुछ नहीं कर सकते इफ यू आर पॉजिटिव किसी की मदद कर सकते हो आगे बढ़ने में मेंटली तौर पर उसको एम्पावर कर सकते हो कि यस आधे से ज्यादा मिनटों और मिन्टी के बहुत सारे मैंने सेशन देखे और मैंने एक चीज बहुत क्लियरली समझी मिनटों और मिंटी के लिए कुछ नहीं करता सारा काम मिंटी खुद करता है चाहे स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्टिंग रिलेशनशिप मेंटोर खाली बोलते हैं शाबाश गुड जॉब पैटर्न द बैग मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी नहीं राइट right? आपको सिर्फ ये करना है उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है अरे यार मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ मैं कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता यूड बी वेरी अमेज एट द बायोग्राफी ऑफ आइनसटाइन आपको याद होगा वी कवर्ड इट एंड आइंसटाइन वॉज अ वी मीडिया स्टूडेंट और आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे बनाने वाला एक टीचर है जो पता नहीं सच में बोल गया कि मस्ती में बोल गया बट एक दफा बोल गया कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम मेरी ये बात याद रखना कभी भूलना नहीं तुम बहुत आगे कहते हैं उस बिलीफ ने दूसरे के बिलीफ ने मेरे लिए मुझे आइंस्टाइन से आइंस्टाइन बना दिया और आज मैं नौ हजार पेटेंट्स रखता राइट तो क्या हुआ एक नीचे गिरा सिर्फ किसी ने उसको कहा कोई बात नहीं शौकत भाई ने मैं तुम्हारे साथ alliance, right? आपने उसको बोला आज के परेशानी वाली दौर में फोन उठा के किसी ओल्ड फ्रेंड को कॉल किया क्या है सब ठीक ठाक है आपने मेंटली पांच मिनट में के लिए सोच लिया कि यार दिस इज दिस इज सर्व इज गिविंग मैं आज उसको मोटिवेट करूंगा राइट right? पुराना रिलेशन आपने उसको बोला तीन चार प्रेजेस कर राइट इज नथिंग बैड हर आदमी प्रॉब्लम के अंदर है हर आदमी परेशानी के अंदर है किसी को आपने मोटिवेट कर दिया एक तो आपने सर्विस कर दी दूसरा आपने ऊपर वाले के मास्टर रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया कि मैंने आज तुम्हारे लिए किसी को मोटिवेट किया कल को जब लाइफ में आप डाउन हो ना ऐसा ही कोई फोन आपको आएगा वो आपको पुलअप कर देगा हाउ मेनी इफ यू ट्रस्ट ऑन दैट यस और नो राइट क्योंकि न्यूटन कह चुका है दुनिया कह चुकी है लॉ ऑफ कर्मा कह चुका है दीपक चोपड़ा यू नेम इट हर साइंस ने प्रूव किया है जो फोर्स यूनिवर्स में डाल दी वो घूम के वापस आएगी और उस वक्त आएगी जब आपको बिलीव भी नहीं होगा कि मैं कहाँ से मदद मुझे मिलेगी मैं इससे निकलूंगा मेनी ऑफ यू आर राइट सबको कुछ ना कुछ याद आ गया ऐसा ही होता है लाइफ में फंसे हुए अचानक से लाइट आती है वो लाइट कहाँ से आई वो मदद ऊपर वाले ने की लेकिन किसी फ्रेंड के जरिए से की किसी फैमिली मेम्बर से की किसी ऐसे पुराने दोस्त से की कोई नई जॉब लग गई कोई नया बिजनेस मिल गया कोई लोन मिल गया कोई ऑफर लेटर मिल गया कुछ भी मिल गया लेकिन ऐसी लाइट आई कि आपने बोला वाह ऊपर वाले मजा आ गया राइट मैं सोच भी नहीं रहा था और ये हो गया ठीक है तो उसके लिए आपको उस प्लांट को पानी देते रहना पड़ेगा ये सोचे बगैर कि इसका फ्रूट मुझे मिलेगा या किसी और को मिलेगा तो कहीं और प्लांट जो लगाया होगा किसी और ने उसका फ्रूट शायद आपको मिल जाएगा दुनिया इसी तरह चलती है right? तो हर एक के बस की बात नहीं है तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा तो यू नीड अ फ्रेंड यू नीड मेंटोर तो सोचो और बहुत गहराई से सोचो कि मैं किसके पास जाके अपना ये मसला सॉल्व करूं जो कि मुझे पॉजिटिव अगर आपको पता है एक आदमी नेगेटिव है अपनी बात अपने तक रखो यू डोंट नीड टू ओपन अप डों वरना वो और नीचे ले जाएगा ठीक है चौथी चीज राइट इट डाउन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों के पास अच्छा फ्रेंड भी नहीं है कि यार मैं तो अपने बारे में सोच भी नहीं सकता मुझे तो पॉजिटिविटी नजर आती नहीं है और मुझे तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं इस मुश्किल हालात से निकलूंगा कैसे उसको जो सोल्यूशन देगा वो देगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन नाउ व्हाट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में अपने बारे में सोचना अपनी शक्ल देखना अपने आप को इमेजिन करना और उसके अंदर कलर्स डालना कॉल्ड डालनाइजेशन गुड लेट्स क्लैप फॉर जबरदस्त विजुअलाइजेशन एक पूरी साइंस है इसके ऊपर कोर्सेस होते हैं

आंखें बंद करके या खुली आंखों से वट एवर योर स्टाइल इज कुछ लोग आंखें खुली रख के इमेजिनेशन कर सकते हैं कुछ लोग जब पेपर पेन लेते हैं तो विजुलाइजेशन होता है राइट right? बहुत सारे लोगों को आइडियाज आते हैं आपको भी सोच के देखना कि आप कौन से हो दैट्स इम्पावरमेंट राइट हर हर एक ऊपर वाले ने दूसरे से अलग बनाया आपका स्टाइल यूनिक होगा या तीन चार में से एक होगा तो आप जब सोच रहे हो कि ठीक है फरीद रहमानी इज क्लोजिंग द आईज उसको एक कुछ बहुत बड़ा काम करना है और आज उसको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास पैसे नहीं है उसको लगता है कि मुझे तो ये चीज़ आती नहीं है मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे या ये इम्प्रैक्टिकल है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है जो भी पाँच चीजें आपके दिमाग में आती है रोकने के लिए आपने क्लोज किया आईज और आपने इमेजिन किया ओके आई वॉन्ट टू जैसे मेक अ रोबोट मुझे तो रोबोट का ये भी नहीं आता तो क्या किया एंड दिस इज फरीद रहानी उसने कुछ सोचा उसके पास रोबोट खड़ा हुआ है वो रोबोट कैसा बनाना है वो कैसा होना चाहिए कैसा दिखना चाहिए क्या करेगा क्या फंक्शनैलिटी करेगा वो बहुत बड़े अवार्ड में जा रहा है रोबोट का उसको फर्स्ट पेटेंट मिल रहा है पुट कलर्स इनटू इट ऑडिटोरियम कैसा दिखेगा उस दिन उसने कौन सा जैकेट पहना होगा वो थैंक स्पीच में क्या बोलेगा वो रोबोट फंक्शन करेगा तो पाँच सौ हजार लोग तालियां बजाएंगे यू नो न्यूज में आएगा आपकी पिक्चर पेंट होना शुरू हो गई और फिर नेचर आपको बताना शुरू करेगा कि रोबोट साला बनेगा कैसे राइट सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क व्हेन यू ट्राई टू प्लांट योर ड्रीम नेचर के अंदर एक प्रिंसिपल है आपको बड़ी जान के हैरत होगी. कि देर इज अ हार्मोन इन द बॉडी विच इज कॉल्ड आर लिख लो इसको अब ये देखो ऊपर वाले की ताकत कितनी बड़ी है सो so ये हार्मोन का कुछ और काम नहीं है सिवाय इसके के जब आपने कुछ सोच लिया तो वो बॉडी में केमिकल रिलीज करना शुरू करता है कि इस बंदे की मैं मदद कैसे करूं ढूंढने में जो इसने सोचा है वो फंक्शनली पूरा हो जाए आज ये साइंस बता रहा है तो दैट्स वाई वो बच्चा जो कि हाई स्कूल में सोचता है कि आई वॉन्ट टू बी दर्जन एक्स वाइज एडवांस सर्जन वो जब तेरह साल का होता है वर्सेस वो बच्चा जो छे साल की उम्र में सोच लेता है कि आई वांट टू बी दैट सर्जन वर्सेस वो बच्चा जो मास्टर्स कर लेता है और फिर सोचता है यार क्या सर्जन बन जाना चाहिए कुछ और करने को नहीं है तीनों की लाइफ पे स्टैंडफर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और पता चला वो बच्चा जो छे साल में सोचा है वो बहुत हाई एडवांस पेंग फोर टाइम्स हाई पेंग जॉब करता है या बिजनेस करता है सर्जरी में वर्सेज वो बच्चा जो उस पॉइंट पे आके बोलता है चलो अब सर्जन बन जाते हैं यू नो सो होता क्या है केमिकल गेट्स रिलीज़ इन योर बॉडी जैसे आपने आज में हार्मोन ऊपर वाले रिलीज करना शुरू कर दिया अब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी खट 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 खट, खट आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया कार आपको अपनी जैसी गाड़िया रोड पे और दिखना शुरू हो जाती है, है ना वेन यू बायस तैयारियां तो कॉमन हो गया ऐसा नहीं होता वो पहले भी मौजूद था बट नाउ योर आईज आर ट्रेन टू पिक दैट इंफॉर्मेशन आउट फ्रॉम दब आप तय कर लेते हो कि मुझे ये चीज करनी और दुनिया में एक करोड़ इन्फॉर्मेशन घूम रही है और रोज आपके फोन पे इतनी आ रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो आप स्क्रॉल करते करते वहां रुक जाओगे जो आपको चाहिए ठीक है या खुद इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए आपके पास आएगी आपका माइंड मैग्नेट बन जाता है हाउ लाइफ गुड तो टी को यूज करो दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कुछ लोगों को खुदा ने बोलने की ताकत दी है कुछ को सोचने की ताकत दी है कुछ को विजुअलाइजेशन की ताकत दी है लोग लिखते हैं he was a day तो आपको पता होना जितने भी बड़े बड़े लोग ले लो लुक एट द फर्स्ट प्रिंसिपल टेस्ला एलॉन मस्क को ले लो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं आता था मैंने आज स्पेस एक्स बना दिया इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना दी आई हाई द बेस्ट पीपल स्टीव जॉब बोलते हैं मुझे एप्पल फोन कुछ नहीं आता था आई द बेस्ट हाइट और मैं उनको सिखाता था, था एक पॉइंट पे आके कि फोन का इंजीनियरिंग कैसे होगा आई न्यू नथिंग अबाउट इट क्यों बिकॉज दे स्टार्टेड देड विजिंग मुझे चाहिए क्या वो दिखना कैसा चाहिए कलर भरना शुरू करो इतनी डिटेल भर दो कि जब वो चीज आपको मिले तो वो वैसी नजर आए जैसे आपके दिमाग में थी राइट एंड देर इज अ वेरी बिग मूवी कॉल्ड सीक्रेट ऑन इट तो वो लोग जो कि सोच नहीं सकते अपने बारे में बड़ा विजुलाइज तो कर सकते हो कि ओके okay, मुझे ये अचीव करना है एक पिक्चर तो पेंट कर सकते हो दिमाग में हाउ मेनी यू कैन डू दैट रेज योर हैंड्स गुड लेट्स क्लैप योरसेल्फ एंड गिव पैट ऑन द बैक हम लोग पैट ऑन द बैक करते थे राइट right? हमने नहीं किया दो चार uh, हफ्तों से सो दैट्स इंपॉर्टेंट ठीक है सो दैट्स फोर्थ प्रिंसिपल पावर ऑफ बिलीफ रखना पावर ऑफ बिलीफ के मैं कर सकता हूँ पावर ऑफ थिंकिंग बिग बड़ा सोचना कि मैं क्या कैसे होगा कि टेंशन में नहीं जाना ठीक है रेसिपी कहाँ से आएगी आपको सोचना ही नहीं है दिखेगा कैसा खाना उसको सोचना शुरू कर दे वो तो सोच सकते हो ना राइट right? बिरयानी पकेगी कैसी कहाँ डालना है डोंट केयर अबाउट इट यूनिवर्स सिखा देगा राइट right? बिरयानी तो खाई है ना यू कैन फील दैट यू कैन स्मेल इट यू कैन फील दैट फ्लेवर इन आपके टेस्ट बड़ अभी भी बहुत सारे लोगों को पानी आना शुरू हो जाएगा दैट्स एग्जाम्पल बिकॉज एवरीबडी एशियन ईयर बिरयानी सब खाते हैं राइट सो दॉमन एग्जाम्पल आई क्रू आउट ओके अब सबसे बड़ा मसला आ गया जैसे ही आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अंकल सैम आपके पास आ जाएंगे अंकल सैम का नाम है नेगेटिविटी अब आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनको आप गलती से वो आइडिया अगर बता दोगे अगर आपके इफ यू डोंव ए स्ट्रॉन्ग बेल्ट अराउंड योर वेस्ट तो आप चीजें बोलना शुरू करोगे लोगों को राइट कि यार मैं पता है ये सोच रहा हूँ ये करने वाला हूँ आपने इसको बोल दिया अब सामने वाले के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है वो आपको घुमाएगा बोलेगा अच्छा ये बात तो सही है कैसे करोगे अरे तो आपकी पिक्चर हिलाना शुरू कर दी इरेजर लेके उसको मिटाना शुरू कर दिया अच्छा पहले कभी किया है आपने तो नहीं किया ये क्या हुआ कलर खत्म होना शुरू हो गए फेड होना शुरू हो गए अच्छा हैं आपके पास कर ये इतना टाइम बचता है क्या हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गया आपने बोला पिक्चर चेंज कर दूं क्या मुझे तो नहीं लगता है पिक्चर हो सकती है कल तक आप कलर डाले दैट राइट या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग करेक्टर स्टिक के मालिक हो कि आप दो कान का इस्तेमाल करना जानते कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई माइंड में नहीं राइट right? right? लेकिन वो हम कर नहीं सकते तो आपको नेगेटिविटी को कंट्रोल करना आना चाहिए लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट हम सबको नेगेटिव दो तरह के लोग होते हैं नेगेटिव एक बाहर वाले और एक अंदर वाले और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सबसे बड़ा नेगेटिविटी कौन होता है हम खुद तो अंदर वाले आदमी को कैसे कंट्रोल करना है और बाहर वाले को कैसे कंट्रोल करना है कि दैट आई एम अ वीक पर्सन आई एम अ वीक सोल एंड आई रियली नीड द स्ट्रेंथ टू गेट पावर कितने लोगों का बिलीफ है कि ये काम करता है रेज्यूह ये बहुत काम करता है ऊपर वाला कुरान में भी कहता है हर रिलीजन में कहता है कि मुझसे मांगो मैं देने के लिए बैठा हूँ लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम सिर्फ मटीरियल मांगते हैं हम इमोशनल स्ट्रेंथ क्यों नहीं मांग सकते हम मेंटल स्ट्रेंथ क्यों नहीं मांग सकते आपको क्या लगता है वो नहीं दे सकता कितने लोगों का ईमान दे सकता है राइट right? सो so, अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो भरोसा मांगो ऊपर वाले से ताकत मांगो कि गिव मी दिस स्ट्रेंथ दैट आई कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन फिर तो देखो वंडर्स होना शुरू हो जाएंगे यू नो पैसा रिलेशनशिप्स एनीथिंग यू नो करियर जो भी आपको चाहिए तो और यही चीजें जो मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ ट्रैवल आउट टू रिमोट एरिया जब मैं देखता हूँ पॉवर्टी तो बहुत दफा पोवर्टी लैक ऑफ रिसोर्सेस से नहीं दिखती इस इसपे बहुत सारी थ्योरीज भी हैं बहुत दफा पॉवर्टी लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ से देखिए काम करना ही नहीं चाहता राइट तो जब आप काम करना नहीं चाहते वैन यूर लाइफ एंड इज दू आर नाउ कौन मेरे वाइट बोर्ड से खेल रहा है लाइफ राइट so right? so, में होना बहुत जरूरी है एंड इफ यू हेयर द सक्सेसफुल पीपल लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के भी मेंटोर हायर करते हैं और कोच हायर करते हैं बिकॉज वो उनकी माइंड की, की ट्यूनिंग करते हैं राइट right? uh, मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी ने जो कि फाइनेंशियली बहुत ट्रेडर रहा ट्रेडिंग करता था उसने वॉरेन के साथ घंटे का लंच दो मिलियन डॉलर पे करके बुक किया दो मिलियन डॉलर पे करके वॉरेन बुफेट के साथ लंच किया ना आपको क्या लगता है दो मिलियन डॉलर का लंच का कुछ फायदा हुआ होगा वो ये कहता है उस दो मिलियन ने मुझे अगले एटी फोर मिलियन डॉलर बनाने में मदद की राइट तो कुछ तो है जिस वजह से

छठी चीज जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाती है लेकिन एक चीज आपको सीखनी पड़ती है इन दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट उसने कहा बहुत सारे लोग जो होते हैं ना प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, और इस वजह से वो कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते अब इस बात तक कितने लोगों को कनेक्शन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई क्या समझाएगा मुझे

होता है यू नो स्टार्ट गेटिंग दोस्त हैं जब ने किया रिमेंबर लास्ट टाइम भी तुमने किया था फेल हो गए थे इस दफा भी हो जाओगे राइट right? तो बहुत सारे लोग जो आज कुछ बन गए ना जिंदगी में वो कॉमनली ग्यारह से तेरह दफ़ा फेल हुए हैं दैट्स द मैथमेटिकल नंबर बिहाइंड इट राइट सो नॉर्मली ग्यारह से बारह दफा जो आदमी फेल नहीं हुआ अब ग्यारह से बारह दफा फेल होने के बाद उठने का दम होना चाहिए यू नो मैनी पीपल कैन नॉट डू दैट तो वो जब नहीं कर सकते हैं इस तरह का तो उनका विल पावर वीक होता है बट जो उड़ी आते हैं वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आपको पास की थॉट्स को शट डाउन करना पड़ता है दो कंप्यूटर्स हैं आपने नया खरीदा और पुराना वाले में वही वायरस चल रहा है तो आपको वो शट डाउन करके फोकस करना पड़ता है कि अब मेरे पास नया कंप्यूटर है एम नॉट फोकसिंग ऑन द ओल्ड राइट तो हुआ क्या कि अब आपने सोचा कुछ करने को ठीक है पहले भी आप 200 दफा कर चुके हो फेल हो गए बट नाउ यू आर डूइंग एन एक्सपीरियंस पुरानी चीजों से आपने सीखा वेदर दैट वॉज बिजनेस दैट वॉज द आर्ट ऑफ हैंडलिंग पीपल दैट वॉज बींग मोर रिलीजियस मेडिटेशन करना दैट वॉज अचीविंग समथिंग इन लाइफ कुछ ना कुछ किया आपने उससे आपको आज समझ आ गया कि ये चीज़ पहले काम नहीं करी थी बट आज मुझे पता है कि किस तरह काम नहीं करी थी तो उस चीज पे फोकस नहीं करना राइट right? सो so, ये छह चीजें थी जिस वजह से ऑथर ये कहता है कि कोई भी आदमी जो स्ट्रॉन्ग होता है वो अचीव uh, कर सकता है लाइफ में एंड आई थिंक विद दिस वी क्लोज टू डे स्टॉक मजा आया डिड वी लर्न समथिंग So what we will do is uh, keep me suggesting the book and we will start soon. Again, biographies of different successful people because we on both lot from And thank you very much, Stavis. Take care.